सलमान भाई बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सनलाइन वाले में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ब्लॉग, जो कि हमारे यहाँ हमारे होम स्टे में एक इवेंट हुआ था 5 किलोमीटर रेस का, जो कि ऑर्गेनाइज कराया था सारमांग एडवेंचर टूर ने। आज के इवेंट की कुछ झलकियाँ जो कि इस वीडियो में आएगी, कुछ शॉर्ट हमने डाले हैं ताकि आपको आइडिया लग सके कि इस वीडियो में क्या क्या हुआ, इस ब्लॉग में क्या क्या हुआ। तो दोस्तों शुरू करते हैं जल्द से अपना ये आज का पूरा ब्लॉग। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें और ब्लॉग का आनंद लीजिए। दोस्तों इस ब्लॉग में मेरे अलावा जो आपको दूसरी जो आवाज आ रही है वो है हमारे नयाल सर, जो है आज के प्रोग्राम के होस्ट। दोस्तों मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ नयाल सर के साथ, तब तक मैं और तैयारियों का जायजा लेता हूँ। और भी तैयारी देखनी है इवेंट को पूरा करने के लिए, बाहर से भी आए होंगे अभी देहरादून घूमने के लिए, तो बने रहे वीडियो में नयाल सर के साथ। फिलहाल तो सनलाइन हाइट में, और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि नयाल सर आपको कहीं पे भी बोर्ड नहीं करेंगे। नदी वदी पार करके तो आज जितने लोग आए ना अपनी फोटो खींच लेना भाई सनलाइन हाइट के बोर्ड के साथ में, और बाद में पकड़ लेना सरो भाई जी को, बोलना वहां पर आए थे, ले लेना कंसेशन, मेरे पास मत आना कोई भी, इनके पास चले जाना। और गौरव भाई जो मेरे साथ साउंड में चलते रहेंगे साथ में, तो आप सभी को एक बार फिर से हो जाए फिर हंगामा। गुड मॉर्निंग देहरादून, आनंद सौरभ भाई। ओके नाउ ओपनर, थैंक यू गौरव भाई। ओके ऑल द बेस्ट रनर्स, प्लीज लाइन अप। पहले 5 किलोमीटर, पहले 5 किलोमीटर। तो लीजिए दोस्तों फ्लैग ऑफ के साथ हमारी रेस स्टार्ट 5 किलोमीटर की रन के लिए, और प्रतिभागी पूरा जोर लगा के सब भाग रहे हैं। आज के इवेंट की आपको बड़ी खास बात बताना चाहूँगा दोस्तों, इसमें 6 महीने की बच्ची से लेके अब 72 साल के बुजुर्ग, जी हाँ मैं दोबारा रिपीट करूँगा, 6 महीने की बच्ची से लेके 72 साल के बुजुर्ग ये से इसमें शामिल। साथ में हमारे उत्तराखंड पुलिस की भी हमें यहाँ पे मदद लेनी पड़ी रूट के लिए, और रास्ते में हम दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से प्रतिभागी रनिंग कर रहे हैं। अभी मैं जा रहा हूँ, एंड पॉइंट भी दिखाएंगे आपको, टर्निंग पॉइंट भी दिखाएंगे जहाँ से आपको मुड़ना भी है। तो चलिए पहले हम पहुँचते हैं अपने टर्निंग पॉइंट पर। ये देखिए उत्तराखंड पुलिस हमारे साथ साथ, आपकी स्क्रीन में वाइट शर्ट में पगड़ी पहने गुरुकुल सर, जिनके बारे में मैंने आपको जिनके बारे में जिक्र किया था कि 72 साल के बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं, तो वह हैं हमारे गुरुकुल सर, और हर रेस में हमारे साथ रहते हैं। दोस्तों चलते हैं और दिखाते हैं आपको, ये आपकी स्क्रीन में जो दिख रहा है ये जो टेबल लगा है ये है इस रेस का एंड पॉइंट, और अभी हम चल रहे हैं जहाँ से हमें घूमना है, जहाँ से प्रतिभागी यहाँ से घूमेंगे। देखिए छोटे बच्चे बड़े लोग सभी लोग भाग रहे हैं, सभी लोग रेस का आनंद लेते हुए। तो दोस्तों पहले हम चलते हैं अपने टर्निंग पॉइंट के पास जहाँ से हमको वापस घूमना है, जहाँ से रेस आधी हो जाएगी। सभी प्रतिभागी सुबह सुबह, मौसम बिल्कुल साफ, ये देखिए। ये साइकिल में जो हमारी टीम चल रही है ये कर्नल गुरुम सर की टीम, हमारे ऑफिसर हैं साथ में, इवेंट पार्टनर हैं हमारे साथ, और आपको मिलाते हैं ये है कर्नल गुरुम साहब, पूरी मुस्तैदी के साथ जायजा ले रहे हैं पूरे सुरक्षा नियमों का, कि किस तरीके से कोई किसी को प्रतिभागी की कोई दिक्कत ना हो, और रनर के साथ पार्टिसिपेंट के साथ साथ चले जा रहे हैं गुरुम सर। ये हमारे टीम के एक और सदस्य बाइक क्राफ्ट से, प्रतिभागी 5 किलोमीटर रनिंग के, साथ में हमारे उत्तराखंड पुलिस का सपोर्ट बहुत ही बेहतरीन, साथ में हमारे ऑफिशियल साथ में आ रहे हैं, आपको स्क्रीन में शायद नहीं दिख रहे होंगे, ये देखिए पहुंच चुके हैं, और ये टर्निंग पॉइंट है यहाँ से। इधर इधर थोड़ा तो आगे आगे आगे,
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उत्तराखंड पुलिस दोस्तों हमारे साथ बनी हुई है और साथ ही साथ सुरक्षा का तो ध्यान रख ही रही है उत्तराखंड पुलिस, और बहुत अच्छे तरीके से खिलाड़ियों का प्रतिभागियों का हौसला अफजाई भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। दोस्तों आज के इस इवेंट में जो सिटिंग अरेंजमेंट और जो स्टेज जो है वो रावत टेंट हाउस स्थल मालदूता के द्वारा उपलब्ध कराया गया है, और इस सेटअप के साथ साथ रावत जी हमारे साथ बिल्कुल सक्रिय रूप से इस इवेंट में जुड़े हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं रावत जी जो टेंट सेटअप के साथ साथ इस खेल में भी रुचि ले रहे हैं, रेस में भी रुचि ले रहे हैं, प्रतिभागियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं अपनी ओर से। तो देखिए दोस्तों सभी प्रतिभागियों की कोशिश की जल्द से जल्द अपना ये आधी रेस कम्प्लीट करें। ये जो टर्निंग पॉइंट है ये बनाया गया है 2.5 किलोमीटर पर, 5 किलोमीटर का रन है। यहाँ से टर्न लेने के बाद अभी हम आपको लेके चलेंगे एंड पॉइंट पे, यहाँ से टर्न होना है। और आपके स्क्रीन पे जो ये ऑरेंज कलर की टी शर्ट में जो बच्ची है ये बहुत ख़ास है जी। ये बच्ची आई है कांगड़ा से अपने मम्मी पापा के साथ और अपने छोटे भाई के साथ। बच्ची का नाम है संस्कृति। थोड़ी देर में अभी आने वाले होंगे संस्कार भी, संस्कार और संस्कृति दो बच्चे जो आए हैं कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से। और इतनी कम उम्र में दोस्तों ये स्पोर्ट का जज्बा एक बच्चे के अंदर होना बहुत अच्छी बात है। इसके पीछे कहीं ना कहीं माता पिता की एक बहुत अच्छा प्रयास और बहुत अच्छी मेहनत के बाद ही ऐसा रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। संस्कृति और संस्कार के पापा भी इनके साथ रनिंग में इन्होंने हिस्सा ले रखा है और काबिले तारीफ है इनका प्रयास। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे संस्कृति और संस्कार के पापा और ये ग्रीन टी शर्ट पहने संस्कार पापा पे रेस की डबल जिम्मेदारी है। पहले संस्कृति के साथ रेस कंप्लीट करी और फिर पीछे जाते देखा कि संस्कार थोड़ा पीछे रह गए, तो संस्कार को दोबारा रेस कंप्लीट करने यहाँ पे आए। बहुत ही बेहतरीन, सभी प्रतिभागी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हुए अपना बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए। दोस्तों वीडियो में बने रहें, वीडियो लंबी जरूर हो रही है लेकिन हर किसी प्रतिभागी का प्रयास काबिले तारीफ है, तो इनकी वीडियो को हम काट नहीं सकते, यहाँ से इसे एडिट नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें और इस इवेंट का आनंद लेते रहें। टर्न कर लीजिए इसे, बहुत बढ़िया साहब। दोस्तों आज की इवेंट के जो हमारे सबसे सीनियर सिटीजन श्री गुरफुल जी, गुरफुल सर आपकी स्क्रीन के सामने आधी रेस कंप्लीट करके एंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए। दोस्तों अब हम चलते हैं यहाँ से क्योंकि हमारे जो पहले कंटेस्टेंट आए थे उन्हें काफी देर हो गई है और शायद एंड पॉइंट थोड़ा ही बचा है। हमें भी एंड पॉइंट की तरफ चलना चाहिए और वहाँ की भी तैयारियों का हम थोड़ा जायजा लेंगे। वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि एंड पॉइंट पे क्या क्या तैयारी चल रही है, कौन कौन से प्रतिभागी पहुँच चुके हैं। तो अब हम चलते हैं एंड पॉइंट की तरफ। तो देखिए दोस्तों एम्बुलेंस भी हमारे साथ साथ चल रही है, सभी प्रतिभागियों के साथ साथ चल रही है और एम्बुलेंस की जो व्यवस्था है अनिल मोहन जी द्वारा ही कराई गई है। देखिए छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से आपको किस चीज़ की कहाँ ज़रूरत हो सकती है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अनिल जी के द्वारा सारमंग एडवेंचर टूर के द्वारा प्रतिभागियों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा गया है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो उसके लिए तुरंत उपचार भी उपलब्ध है। तो लीजिए दोस्तों पहुंच गए हैं हम अपने रेस के एंड पॉइंट पे जो कि सनलाइन होम स्टे से 200 मीटर पहले है। वो इसलिए है ताकि जो हमारे प्रतिभागी है उनकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए, मालदा रोड पे सुबह ट्रैफिक हो जाता है ज़्यादा, इसलिए एंड पॉइंट बना दिया जी हमने यहाँ पे जो कि हमारे होम स्टे से सनलाइन होम स्टे से 200 मीटर पहले है, जहाँ से खैरी होते हुए शहजादा के नया रोड बना है। ये प्रतिभागी अपने 5 किलोमीटर का रन कंप्लीट करके पहुँचते हुए, हमारे ऑफिशियल इनका टाइम नोट कर रहे हैं
और सभी प्रतिभागियों का हौसला अफजाई कर रहे हैं। नयाल सर यहाँ पे है, और ये देखिए समृद्धि ने भी अपनी रेस कंप्लीट करी दोस्तों। देखिए बाकी भी प्रतिभागी आ रहे हैं, और आपको स्क्रीन पे जो महिला जो दिख रही है, ये है समृद्धि और संस्कार की माता जी, समृद्धि संस्कार की मम्मी है। समृद्धि और संस्कार का जिक्र बार बार दोस्तों वीडियो में मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कल रात को ये लोग हमारे ही होम स्टे में रुके थे, और वहीं पे हमारी संस्कृति और संस्कार से हमारी दोस्ती हुई, और बड़ा अच्छा लगा इनके माता पिता के विचार जानकर कि कितना वो प्रेरित करते हैं अपने बच्चों को खेल भावना के लिए, स्पोर्ट के लिए। ये देखिए सभी प्रतिभागी पहुँचते हुए, छोटे बड़े हर उम्र के प्रतिभागी इस रेस में हिस्सा ले रहे हैं, मौसम का आनंद ले रहे हैं और अपनी रेस कंप्लीट करते हुए। सभी प्रतिभागी अब लगभग आने ही वाले हैं, और दोस्तों आपकी स्क्रीन पे संस्कार अपने पापा के साथ रेस कंप्लीट करते हुए, और ऑरेंज जैकेट में हैं अनिल जी जो विशेष रूप से समृद्धि और संस्कार का भी हौसला अफजाई कर रहे हैं, बाकी करते जो प्रतिभागी हैं उनका भी हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये देखिए अनिल जी आपकी स्क्रीन पर दोबारा, और ये हमारे ऑफिसर कर्नल गुरुंग सर और उनकी टीम सकलानी सर। तो दोस्तों रेस कंप्लीट करवाने के बाद हम पहुंच गए हैं अपने वेन्यू में, सनलाइन होम स्टे में। प्रतिभागी भी घूमते फिरते प्रकृति के सौंदर्य का आनंद भी लेते हुए और वॉक करते हुए अब लगभग सभी लोग पहुंच रहे हैं। तो लीजिए दोस्तों अब यहाँ से होस्टिंग की जो जिम्मेदारी है वो संभालेंगे हमारे प्रिय नयाल सर, और मैं देखता हूँ इवेंट में बाकी क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि आप लोग के रिफ्रेशमेंट की भी तैयारी देखनी है। सभी प्रतिभागी रेस कम्प्लीट करके आ गए हैं, थके हुए हैं। तो जी हम देखते हैं सभी प्रतिभागियों के लिए, सभी जो हमारे टीम मेम्बर हैं सभी के चाय नाश्ते की व्यवस्था हम देखते हैं, और छोड़े जा रहे हैं आपको नयाल सर के साथ। बाकी वीडियो में मैं आपको बीच बीच में मिलते रहूँगा दोस्तों, तो बने रहे वीडियो में और इस इवेंट का आनंद लीजिए, क्योंकि इवेंट का जो अब मेन काम है वो अब शुरू हो रहा है, तो बने रहे वीडियो में हमारे साथ। कलेक्ट योर रिफ्रेशमेंट फ्रॉम द रिफ्रेशमेंट पॉइंट एंड कांग्रेचुलेशंस ऑल द फिनिशर्स साइक्लिस्ट टीम ऑफ बाइक क्रॉप। तो दोस्तों ये है हमारे नयाल सर जो अब आगे का इवेंट का संचालन करेंगे। उससे पहले मुझे सामने दो बच्चे दिख रहे हैं, इनके पास आपको लेके चलते हैं और पूछेंगे इनका रिव्यू। कैसी रही आपकी रनिंग? आपकी अच्छी। ये है जी संस्कार और संस्कृति के मम्मी पापा, और यहाँ चल रहा है जी फोटोशूट बड़े जोरों शोर से नयाल सर के साथ उनकी टीम। दोस्तों स्क्रीन पे आपको देख रहे हैं हमारे सभी प्रतिभागी, और सब अपनी अपनी तरीके से इस पल को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं, ये यादगार पलों को हर किसी में होड़ कि अपनी फोटो खिंचवाई जाए। ये देखिए प्रदीप भाई स्क्रीन पे। तो दोस्तों मुझे लगता है फोटो सेशन कंप्लीट हो गया है और इवेंट जो है शुरू होने ही वाला है हमारा, तो तब तक का बस अब इंतजार है। ये मेरे ख्याल से लास्ट शॉट चल रहा है फोटो सेशन का, नयाल सर भी माइक लिए तैयार। तो चलिए दोस्तों अब मिलेंगे नयाल सर के साथ। जो बैठे हुए हैं ना, जिनके सिरों पर आप हेलमेट देख रहे हैं, ये साइक्लिस्ट हैं, कहीं ऐसा समझ सकते हैं कि फोटो खिंचाने के लिए खड़े हैं यहाँ पे। तो चलाया नहीं, ये नहीं पता मुझे। बहुत सारे रनर्स साइक्लिस्ट टीम ऑफ बाइक क्राफ्ट सनलाइन हाई जो कि पिछले कई सालों से साथ में है, और बहुत सारे इवेंट्स यहाँ पर होते हैं, और टीम ऑफ फोटोग्राफर्स एंड वीडियोग्राफर्स गौरव भाई हमारे साथ में। हाँ बोल सकते हो, कैसा लगा आपको रनिंग करके? आपको फोटोग्राफ्स नहीं मिल रहे हैं जाके फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आने वाले टाइम में, और आपको यहाँ आने के साथ पर आपको पार्टिसिपेट करना है, एक्स्ट्रा मिल जाएगा। देख सकते हैं प्यारा सा इनके यहाँ पे ऊपर इनका एकदम जो व्यू कैफे है, हिल व्यू कैफे इनका ऊपर की साइड है, और अगर आप गर्मी के मौसम में आ रहे हैं और चाहते हैं तो पीछे हमारा पूल उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज तो पूरा परिवार आया है, एकदम सब कुछ एकदम पहाड़ सामने दिखेंगे और सब कुछ यहाँ पर हरा भरा एनवायरमेंट आपको दिखेगा। तो प्लीज अगर आप देहरादून में रन कर रहे हैं तो, और
अरे सरनंद जो है वो रनिंग देहरादून में करा रहे हैं और विकास यादव तो आप यहाँ जरूर आए। विकास यादव आपका कोई सामान नहीं खोया लेकिन फिर भी आप मेरे बगल में हैं, क्या होने वाला है करके? ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी अच्छी चीजों के लिए भी अनाउंसमेंट होते रहते हैं। कर्नल अनिल गुरुंग सर की टीम यहाँ पर है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। रोड स्पिन वॉरियर्स और ये ऐसी टीम है जो आपको बहुत जगह सड़कों पर मिल जाएगी, कहने का मतलब साइकिल के साथ मिल जाएगी। थैंक यू आलोक सर, थैंक यू वेरी मच। सब लोग यहाँ पर और हमेशा रनर्स के साथ में आपको दौड़ते हुए दिख जाएंगे। कहने का मतलब अभी चलना भी शुरू नहीं किया लेकिन रनिंग पे थे, आज देख रहा था मैं बहुत सारे लोग, छोटे छोटे साइकिल्स और बहुत सारे सीनियर रनर्स, खासकर जो मास्टर्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। रनिंग करके कैसे लगा कुछ कई सालों से देख रहा हूँ। और अगर किसी को दर्द दूर नहीं हो रहा है तो इनको पकड़ लेना आप, मेरी सिर्फ आवाज है, साजो सामान इनका है, दर्द विराम। और फिर से बोल दे रहा हूँ, ये सौरभ भाई ये वीडियोग्राफर नहीं है तो ना कोई ब्लॉगर, इसके मालिक ही हैं, तो आप इनको पकड़ लेना और डिस्काउंट आज ही ले लेना, आज ही लिखवा लेना इनसे, नहीं तो बाद में बोलेंगे फिर, और मुझे मत पकड़ना। तो सलमान भाई बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी यहाँ पर देखने को मिलती है और बहुत सारा अब तो काफ़ी कुछ बदलाव आ रहा है और बदलाव अगर अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं सर और मैम को देख रहा था, सुबह सुबह वॉक कर रहे थे हमारे आगे, स्वागत है मैम आप सबका। सर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत दूर दूर से भी आए होंगे यहाँ पर, सो वंस अगेन वेलकम आई ऑन बिहाफ ऑफ सारंग 5K रन और सारंग एडवेंचर टूर्स, सबकी तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आई वेलकम यू ऑल एट दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग एट माल देवता। और गिरते हुए यहाँ पर नजर आ जाओ दोस्तों, प्रतिभागी बहुत दूर दूर से आए हैं हमारे यहाँ, ये प्रदीप भाई संस्कृति संस्कार के मम्मी पापा, और ये देखिए जी ये है हमारी टीम बिजनौर, आकाश भाई नितिन भाई दुष्यंत भाई लक्की सुमित सागर विनीत विशाल, ये भाई आए हैं हमारे यहाँ बिजनौर से। और इनका भी परिचय हमें इसलिए पता है क्योंकि ये रात को रुके थे हमारे होम स्टे में, कल इनसे भी हमारी दोस्ती हुई थी, इनके बारे में हमने जानकारी ली थी। ये हमारे मुख्य अतिथि बैठे हैं, अभी इनका भी आपको स्पीच सुनाएंगे, मैम की स्पीच सुनाएंगे, सर का भी स्पीच सुनाएंगे, इनके भी विचार जानेंगे इस इवेंट के बारे में। अरे देखिए टीम बिजनौर पूरा आनंद लेते हुए इवेंट का दोस्तों, ये देखिए सभी लोग अपने अपने तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ रिफ्रेशमेंट चल रहा है। और अब हम आपको मिलाएंगे टीम मालदेवता से, ये हमारी टीम मालदेवता, राजकीय इंटर कॉलेज मालदेवता से ये बच्चे आए हैं। और यहाँ पे सैनी जी हमें मिले थे स्कूल में, सैनी जी का बड़ा विशेष प्रयास था, सैनी जी ने इनको हमारे यहाँ भेजा था। बाकी हमारे प्रतिभागी भी पूरा आनंद ले रहे हैं इवेंट का, जिन लोगों का मैं नाम नहीं जानता मैं अगली बार कोशिश करूँगा कि मैं उनसे सबसे नाम पूछूँ और उनका भी आपको परिचय दूँ। देखिए सभी लोग कोई फ़ोटो खिंचा रहे हैं, कोई रिफ्रेशमेंट ले रहे हैं, अपने स्तर पे सभी लोग आनंद लेते हुए, हर एज ग्रुप के यहाँ पे आपको प्रतिभागी मिलेंगे। ये देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पे आज के इवेंट के मुख्य अतिथि श्रीमती वंदना शर्मा और श्री संदीप कुमार शर्मा जी। दोस्तों अपने मुख्य अतिथि का मैं आपको परिचय दे दूँ, श्रीमती वंदना शर्मा जी मालदेवता डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल पद पर हैं और उनके पतिदेव श्री संदीप जी उच्च शिक्षा में डायरेक्टर पद पर रह चुके हैं उत्तराखंड सरकार में।
तो बहुत जल्दी मेरे हाथों में रिजल्ट आने वाले हैं जिनका इंतजार है। और गौरव भाई, और अगर जिसको ज्यादा ठंड लग रही है तो चाय है सामने, गरम गरम चाय, और जो चाह वाले हैं वो चाह भी पी लें, चाय वाले चाय पी सकते हैं। हाँ, चाह भी पीने की चीज है तो पी सकते हैं आप। सनलाइन हाइप का टेस्ट लेके जाइएगा जाते जाते। थैंक यू। दोस्तों, रिजल्ट हमारे पास पहुंच चुके हैं, अब बस पुरस्कार वितरण का समारोह होने वाला है, अवार्ड सेरेमनी शुरू होने वाली है। अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, इसी प्रकार वीडियो में बने रहें। अभी हम आपको मुख्य अतिथि का स्पीच भी सुनाएंगे और बताएंगे क्या उन्होंने इस प्रोग्राम में क्या दिलचस्पी ली या कैसा उनको प्रोग्राम लगा, उनकी राय जरूर हम भी सुनेंगे और आपको भी सुनाएंगे। तब तक दोस्तों, आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं, अपना कमेंट जरूर बताएं, और सबसे जरूरी दोस्तों, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी अगली बार इस प्रकार के इवेंट का आनंद ले सकें। और सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं आपके पास, आपके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इसी प्रकार से वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन देते रहें दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो में। अच्छा, ये कैसे रनर है, अगर ये रात को भी अगर नाइट शिफ्ट में होते हैं तो कई बार देखा बैग यहीं रख के फिर दौड़ना शुरू कर देते हैं। कांग्रेचुलेशंस प्रदीप, 5006 आप हैं। जीरो जीरो सेवन आइए प्लीज। और इधर देख के जब यहाँ आ रहे हैं मेडल लेने के बाद इधर देख के मुस्कुरा जरूर देना, मुस्कुराना अच्छी बात है, वरना ये फोटो नहीं खींचते, पिछली बार बहुत मिस करी है ना मेरी। 5008 आइए सर। तो सिर्फ छोटे बच्चे ही नहीं, सीनियर सिटीजन्स भी काफी लोग हैं यहाँ पर, बहुत बहुत बधाई सर आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। 5009 5010 इस गेम के लिए मैं दर्द विराम ले लूंगा इनसे बाद में, कैसे मान लूं। भाई जीरो, यही है भाई, यही है, मान गए हम, मान गए, संस्कार ये सही है। कई लोग बोलते हैं हम क्यों दिखाएं जी, बोला ये लो ये रहा। कांग्रेचुलेशन संस्कार, संस्कृति, और पेरेंट्स भी होंगे यहीं कहीं। अक्षत भाई को भी देख रहा हूँ मैं, बाइक क्राफ्ट की पूरी टीम विक्की भाई यहाँ पर आ गए, वेलकम, स्वागत है आपका, आपके तो पड़ोस में ही है, कभी भी आ जाओ। अच्छा, बहुत अच्छी सर्विसिंग है इनकी जहाँ तक मुझे पता है, मैं खुद भी। 5013 आराम से, 5013 सौरभ, ये विजुअली इम्पेयर्ड है और लो विजन में आते हैं, आपको बता दूं सबको, आपने देखा होगा जब ये फिनिश कर रहे थे तो रोड में ऐसे ऐसे जा रहे थे क्योंकि उनको दिखता नहीं है पूरा, आराम से जाना। थैंक यू टीम एनआई पीवीडी से। और 5013 अच्छा दोबारा लेने के चक्कर में थे क्या। 5014 हरका राम राजस्थान से, ये सारे विजुअल इम्पेयर्ड जितने भी हैं आप देख रहे हैं विजुअल इम्पेयर्ड हैं और सभी लोग अभी कर रहे हैं स्पोर्ट्स। थैंक यू सर, बड़े प्यार से भेज रहे हैं आप, थैंक यू विनोद सर, थैंक यू। 5015 कौन है 15 दोनों में से, शिवम
शिवम सिंह नेगी, प्यार से हम इसे चोटी वाला कहते हैं, और ये इंडिया को रिप्रेजेंट करता है इंडिया की ब्लाइंड फुटबॉल टीम में। अभी हाल ही में मैक्सिको से खेल के आया हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशन शिवम, और ये टोटली ब्लाइंड है, टोटली ब्लाइंड है, उन्हें दिखता नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन पूरी दुनिया घूमते हैं और मुझे भी घुमाते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन शिवम। 5016 अविरल, 5016 कॉन्ग्रेचुलेशन अविरल, और 5017 दीपांशु, ये पहली बार दौड़ रही है। बोला सर दौड़ पाऊंगी, मैंने कहा क्यों नहीं दौड़ पाऊंगी, और आज दौड़ रही है। कॉन्ग्रेचुलेशन 5024 ये दोनों बच्चे हैं सहारनपुर से। आपका नाम बताऊं क्या है? आपको एक कदम पीछे जाना पड़ेगा मैम, संस्कार पटियाल, संस्कार पटियाल जाइएगा आप। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से किसके साथ आए हो? मम्मी पापा। वैसे मम्मी पापा वहाँ है। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, पापा बातें कर रहे हैं। 5025 क्या नाम है आपका? मिस संस्कृति चंद्र, संस्कृति 5025। ओके, ये कौन है? इज माय ब्रदर, इज योर ब्रदर, ओके ब्रदर, लेट्स सी 5025 ये सिस्टर 5026 25। अच्छा आ रहे हैं। अच्छा सर को मेरी आवाज अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने कान में एयरपोड्स लगा रखे। सर आइए प्लीज सर। तो अभी मैंने आपको ये सब दिखा दिया, बहुत ही सुंदर, और अब जो कांग्रेचुलेशन सर का सिलसिला वो थोड़ी देर में अभी एक्शन 3 में आपको दिखाने वाले हैं। कांग्रेचुलेशन सर 5028 5028 सुषमा रावत, ये भी बहुत पुरानी रनर हैं और हर रेस में मिल जाती हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, फोटोग्राफ्स कहीं और से आ रही होती हैं तो ढूंढते हैं कहां से आ गई ये फोटोग्राफ। कांग्रेचुलेशन सुषमा। थैंक यू विनोद सर, थैंक यू वेरी मच। दर्द विराम जो हमारे स्पॉन्सर भी हैं, थैंक यू वेरी मच विनोद सर। अब मैं आगे के मेडल सेरेमनी के लिए डॉक्टर नेगी सर को बुलाना चाहूँगा, अगर यहाँ पर हैं तो। इलीट रनर हैं, वेटरन रनर, डीएस नेगी सर हैं, सर प्लीज आइए। अच्छा ये ऐसे छुपे हुए रहते हैं बिल्कुल, और जब रन होता है तब नहीं छुपते, तब सबसे आगे मिलेंगे। आइए सर प्लीज, इनकी खासियत ये है, एक खासियत बता देता हूँ पहले, उसके बाद सर आराम से बिल्कुल। अभी इंजरी में हैं, लेकिन हर संडे को आपको अगर किसी रोड पे मिल गए, पूरे परिवार के साथ फाड़ा वाड़ा लेके निकलते हैं गाड़ी में, और एनवायरनमेंट के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं सर आप लोग। सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपको कहीं भी मिल जाएंगे, देख लीजिए मैम भी हैं, अभी आएंगे थोड़ी देर में, पूरा परिवार एक साथ निकलता है, और किसी को जरूरत नहीं है ना ग्रुप की जरूरत, कभी नहीं देखा मैंने इनको बोलते हुए, लेकिन हमेशा अपना काम करते रहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। 5025030 आइए सर। अच्छा आप पता चला मुझे, घर से दो मेंबर होने जरूरी है, एक मेडल रिसीव करे तो दूसरे फोटो तो खींच सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन सर 5031 5031। ये आपको देहरादून की हर सड़क पर मिल जाएंगे, राजन गुप्ता सर, सड़क पर मतलब दौड़ते हुए और साइकिलिंग करते हुए। और अगर कोई बाहर से गेस्ट आया, इनकी जो सबसे बड़ी खासियत है कि बाहर से कोई साइकिलिस्ट, इन्होंने कहीं पोस्ट पढ़ी हो, कहीं देखा हो सोशल मीडिया पे, तो ऐसे शख्स हैं जो पहुंच जाएंगे हेल्प करने के लिए हमेशा। बहुत बहुत थैंक यू सर, आप साइकिल फ्रेटर्निटी और रनिंग के लिए सभी को हेल्प करते रहते हैं। 5032 सभी, ये गैंग अभी आना बाकी है। 5032 अब बजेगी ताली है, फिर भी इतनी कम बज रही है। 5033 5033 5034
5036 को कभी 150 किलोमीटर कभी 200 किलोमीटर पता नहीं कहां से कहां दौड़ते मिल जाएंगे। अच्छा दिल्ली भी उनके लिए वो बस उसमें नहीं जाते, दिल्ली जाना होता है दौड़ के निकल लेते हैं, रात भी दौड़ते रहते हैं। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो मिल लीजिएगा, इधर ही कहीं होंगे अजय यादव सर। इसके बाद 5040 है यहाँ पर। अच्छा कांति रावत मैम मास्टर्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं, आप देख रहे होंगे पीछे भी इंडिया लिखा हुआ है। मैम आपको बहुत बहुत बधाई, और जो भी इंडिया के लिए कर रहे हैं तो वो तो गर्व की बात वैसे ही है। बहुत बहुत बधाई है मैम आपको, मास्टर एथलीट हैं। 5041 पेरेंट्स भी साथ में आते हैं और हर रेस में देखता हूँ मैं आप लोगों को, कॉन्ग्रेचुलेशंस। 5042 नहीं नहीं आप ले लीजिए सर, श्योर सर। 5042 अच्छा 5044 को बुलाऊं, उससे पहले मैम देख रही हैं। मैम आपका ये 43 प्लीज आ जाइए, ये पल बड़ा मतलब कभी कभी आता है। मैम सर से मेडल रिसीव कर रही हैं, यानी कि हस्बैंड से रिसीव कर रही हैं, और 2015 से मैम को इसी मुस्कुराहट के साथ देख रहा हूं, चाहे वो 21 किलोमीटर हो चाहे 10 किलोमीटर हो। अभी मैं बात जिनकी कर रहा था वो यही कपल है, और हर संडे छुट्टी के दिन मिल जाता है, पता नहीं कैसे कर लेते हो मैम आप लोग इतना। बहुत बहुत बधाई मैम आपको। 5044 आइए मैम, चंद्रकांता मैम। हम तो सीरियल देखा करते थे मैम, हम उस जमाने के हैं, चंद्रकांता सीरियल आता था और उसमें एक ही आता था यक्खू वाला आता था एक, लेकिन आप रनर हैं और आप हमेशा इसी मुस्कुराहट के साथ रहते हैं। बहुत बहुत बधाई मैम आपको, बहुत बहुत बधाई। 5045 5046 आइए सर। अमेचर रनिंग ने एक चीज तो बहुत अच्छी दी है, हेल्थ दे रही है अमेचर रनिंग, तो थैंक यू सामंग। 5048 क्या नाम है आपका? अमायरा। ये बहुत अच्छी रनर हैं और इसके पापा हमेशा साथ में आते हैं। सर एक बार खड़े हो जाए अगर आप यहाँ पर हैं तो, हाँ वहाँ पर हैं और हमेशा हर रेस में पहुंच जाते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन समाया। संस्कृति है यहाँ पर, संस्कृति और संस्कार, संस्कृति और संस्कार। गौरव भाई एक माइक और दे, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गौरव भाई एक माइक मिल जाएगा मुझे। अच्छा आते दोनों मेरी तरफ आगे, बोला क्या देने वाले हैं हमें, मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ ठीक है, मारना मत मुझे।
मैं तो यही दे सकता हूँ बस, ठीक है? तो आपसे बातें करूँ थोड़ी सी? पक्का? पहले तो अपना नाम बता दिए, व्हाट्स योर नेम? संस्कृति पटियाल। संस्कृति पटियाल। पटियाल, और आपका नाम? संस्कार पटियाल। संस्कार पटियाल, आप थोड़ा सा लाउड हो, घर में भी ऐसे ही रहते दोनों या घर में कुछ अलग है? अलग है। अलग है, चलिए। अच्छा, रनिंग कैसे शुरू की? कौन लेके आता आपको? पेरेंट्स लेके आते हैं या जबरदस्ती लेके आते हैं या अपने आप कर रहे हो? पेरेंट्स लेके आते हैं। पेरेंट्स लेके आते हैं आपको? यस। रनिंग अच्छी लगती है? डू यू लव रनिंग? यस। सो कितना किलोमीटर भागे आज आप? 5 किलोमीटर। यू रन 5 किलोमीटर? यस। सो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या भागा आपने? 5 किलोमीटर। 10 way I'm asking you what the maximum distance you have ran. You ran 10 kilometers. So this is your first official 5 kilometer run. Aapki pehli 5 kilometer official run hai ye? Ya isse pehle bhi bhage? Pehle bhi kiya maine. Pehle bhi kiya. Ab zara Sanskar se baat kare. Sanskar, aap kaise daudte ho? Achcha hi. Achcha hi daudte ho. Kabhi aap bure ho hi nahi sakte. Aur kaun si class mein ho aap? Second tele. सेकेंड टेलेट। अच्छा, कौन सा स्कूल में? रेनबो वर्ल्ड स्कूल भवाना। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? सर्विंग। 5K रन? 5 किलो। इससे पहले भी दौड़े हो आप? कैसे रनिंग शुरू कैसे की आपने? पेरेंट्स ने जबरदस्ती? पापा ऐसा तो नहीं पापा उठा के बाहर भेज देते हो बोला दौड़ के आओ, या मम्मा? मम्मा भेजती है। और देखो बाहर आने का नतीजा देखो, आज आप दौड़ के आ रहे हो ना, और मेडल भी मिल गया आपको। एक बार दोनों अपना मेडल ऐसे पकड़ो, उधर देख के ऐसे उठाओ मेडल एक हाथ से ऐसे, हाँ सामने देखो। चलो दोनों को ऑल द बेस्ट, और आप इसी तरह से करते रहिए, ठीक है? कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू एंड कीप ऑन रनिंग, राइट? वी विल मीट ऑन सम अदर प्लेटफॉर्म विद सम अदर रेस। ऑल द बेस्ट। सो छोटी छोटी कहानियां बहुत ज्यादा इंस्पायर कर जाते हैं हमको कभी कभी। मिसेस नेगी मैम यहाँ पर है क्या? नेगी मैम, मैम एक बार थोड़ा सा आप अगर आ जाएं तो आपसे बातें बहुत होती हैं, लेकिन सबके सामने बात कर लेते हैं आज। सबकी अपनी अपनी कहानियां, अपने अपने शुरुआत करने का तरीका अलग, और अलग अलग रेसेस में मिलते रहते हैं। सो विजय नेगी मैम, मैम कितने सालों से रनिंग कर रहे हैं आप, पहले तो ये बता दीजिए। 10 साल से। और आपको बता दूं, 10 साल से रनिंग कर रहे हैं, लेकिन ये मेरा सौभाग्य कि पिछले 8 साल से मैं देख रहा हूं मैम को, 2015 से लगातार मैम को देख रहा हूं। तो मैम कैसे आज, तो आज इसके बाद कहीं जाने का प्लान है या फिर खाली रनिंग? रनिंग करके फिर और कहीं जाना है? आज नहीं जाएंगे, आज रेस्ट है। ये हमेशा कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे, एनवायरमेंट को क्लीन करते हुए, जगह को क्लीन करते हुए। रनिंग करके अच्छा लगता है मैम? बहुत अच्छा लगता है। और आप दोनों दौड़ते हैं जी? तो ऐसा है क्या घर में बोला चलो थोड़ा बहुत दौड़ के आते हैं, या बहुत लंबा लंबा दौड़ते हैं? लंबा लंबा दौड़ते हैं, कभी कभी ज्यादा। कितने आसानी से बोल देते हैं, लंबा लंबा भी दौड़ लेते हैं, कभी कम कभी ज्यादा। आपने मैक्सिमम डिस्टेंस कितना किया मैम? अभी 10 ही किया है। 10 किया है। और सारमन के साथ कब से जुड़े हैं आप? ये तो अभी दो तीन महीने से सारमन के साथ में है आप, और सर भी दौड़ते हैं, सर तो इलीट रनर हैं। और लोग बहुत कहते हैं ना कि भाई आपको रनिंग के लिए बहुत अच्छे शूज चाहिए और बहुत अच्छा अटायर चाहिए। शूज अच्छे चाहिए क्योंकि पूरा बॉडी वेट उसमें आता है, ये मैं भी बोल रहा हूँ बीइंग प्रोफेशनल एथलेटिक कोच, ये मैं भी बोल रहा हूँ आपको। लेकिन उसके बाद में देखिए अटायर मैम का शुरू से ही ऐसा है और आराम से दौड़ते हैं। मैम आपको बहुत बहुत बधाई, और यू ही दौड़ते रहिए। थैंक यू मैम। शिवम सिंह नेगी आ सकते हैं, एक ऐसा रनर जो आपकी फ्रेम बनाएगा, फ्रेम बना सकता है लेकिन वो सुन के बनाता है, यानी कि आप जितनी बातें करोगे उतना शिवम को आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो। शिवम कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। और आप सरमंग से कब से जुड़े हुए हो? सर मैं तो 2020 से लॉकडाउन के टाइम से। और आपने वर्चुअल रन भी बहुत की है सरमंग की? सर मैंने 3-4 हाफ मैराथन वर्चुअल की और बाकी 5 के रन 10 के रन कई सारी 2020 से अभी तक चलता आ रहा है। और सनलाइन हाइप में इससे पहले भी आए हो आप? ये सर सितंबर 2021 में।
भैया देख लो सारा डेटा, मतलब एकदम कुछ डेट के साथ में मिलेगा आपको। मेरी ह्यूमन डायरीज हैं, चलते चलते हम लोग क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स में साथ में होते हैं तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब तुम लोगों ने मेरी राइटिंग खराब करवा दी है, वैसे लिखने की अब कम जरूरत पड़ती है। और स्वयं आप रनिंग के अलावा और क्या करते हो? सर मैं ब्लाइंड फुटबॉल खेलता हूँ। 2018 से मैं ब्लाइंड फुटबॉल खेल रहा हूँ और 2019 से इंडिया के लिए खेल रहा हूँ। इंडिया के लिए खेल रहे हो, मतलब पौड़ी गढ़वाल से आते हो आप, है ना? यस सर। पौड़ी गढ़वाल से देहरादून, देहरादून से इंडिया के पूरे लगभग सारे पार्ट्स में आप खेल चुके हो। और एब्रॉड कहाँ कहाँ गए हो आप, कहाँ कहाँ खेले हो? थाईलैंड, ओमान, मेक्सिको, यूके। भैया कभी हमें भी घुमा देना यार अगर जरूरत पड़ी तो, है ना? तो सब जगह जाते हैं। और उसके बाद में कैसा लगता है जब आप वापस गांव में जाते हो, पहाड़ों में जब खेल के वापस आते हो तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है सर, सब पूछते हैं और मुझे अच्छा लगता है बताने में क्योंकि लोग जानना चाहते हैं। अच्छा, और आप पढ़ाई क्या कर रहे हो, एजुकेशन? क्योंकि कई लोग सोचेंगे कि सिर्फ ये फुटबॉल ही खेलते हैं या रनिंग ही करते हैं, एजुकेशन भी बता दो। मैं कर रहा हूँ अभी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन विजुअल इम्पेयरमेंट। और ये आपको एक चीज बता दूं कि जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी बहुत बहुत माहिर आदमी है। अब जब भी मोबाइल में कुछ दिक्कत आती है तो मैं मैकेनिक के पास बाद में जाता हूं, पहले इनको देता हूं। तो थैंक यू शिवम और कॉन्ग्रेचुलेशन, यही दौड़ते रहो और यही खेलते रहो। बाइक क्राफ्ट के लिए आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपके बिल्कुल सामने सनलाइन हाइप के, दोनों का थोड़ा सा घनिष्ठ मित्रता रिश्ता है, दोनों अगल बगल ही रहते हैं। वेलकम अक्षत एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। बिप नंबर 5050 5050 5050 5051। आइए सर प्लीज। फाइव जीरो फाइव थ्री। क्या बात है बलवंत सर, लॉकडाउन में न जाने कितने ही स्ट्रीट डॉग्स से दोस्ती करी है इन्होंने और आज तक बरकरार है, हमेशा बिस्किट्स लेके निकलते हैं सुबह बैग में। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। 5054। क्या बात है सर, बहुत बहुत बधाई आपको। 5055। आप हैं मैम, आइए मैम प्लीज। सब एक साथ आएंगे। अच्छा, पूरी फैमिली एक साथ है, क्या बात है सर, मतलब हर साइज के रनर्स हैं। अच्छा, अभी हाफ टिकट से भी नीचे है, क्या बात है सर, ये सही है। बोला चलो सुबह रनिंग करके आते हैं, आउटिंग भी हो जाएगी और बाहर ही नाश्ता वास्ता कर लेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन पूरी फैमिली को, बाय बाय। क्या बात है सर, आइए सर, आइए आइए। 5058 5059 और 60 भी है, हुआ अगली बार सारमुंग में मुझे लग रहा है पूरा गांव का मामला होने वाला है, पूरा गांव एक साथ खड़ा होगा ऐसे लाइन से। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। फाइव जीरो सिक्स टू। ये सही है, स्कूल वाले भी मिल रहे हैं, पुराने क्लासमेट्स, फिर तो बहुत सारी बातें खुलने वाली होंगी। तीनों क्या बात है, लोग अलुमनाई मीट मनाते हैं, आपने सारमंग के रन में अलुमनाई मीट मना ली।
5064 5065 और एक मास्टर एथलीट जो उत्तराखंड को कई बार मेडल्स दिलाते हैं, बधाई हो सर आपको बहुत बहुत। 5065 हो गया 5066। थैंक यू प्रभजो सर, नजर रखिएगा मुझ पर। 5066 लोगों की बहुत 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 बड़ी बड़ी तमन्नाएं हैं, मेरी एक ही रह गई बस, एक दिन विकास नगर पहुंचना है इनकी रेस में, बहुत टाइम से पहुंच नहीं पा रहे हैं। क्या बात है विकास नगर, लेकिन इस बार लगा नहीं कि विकास नगर से हैं। अच्छा लगने वाला है क्या? 5067 ये भी विकास नगर, बहुत शालीनता के साथ आते हैं और उससे प्रकार मेडल लेके चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद अभी बहुत कुछ डिस्क्लोज होगा। बहुत बहुत बधाई आपको। 5068 विकास नगर, ये जो शांत है इतने शांत है नहीं, ये थोड़ी देर बाद पता लगेगा आपको। 5070 बाइक क्राफ्ट। अच्छा मैं इससे पहले और एक बार पूछ लेता, पीछे से आवाज आ गई, बोला युवराज फ्रॉम टीम ऑफ बाइक क्राफ्ट। अच्छा एक बाइक क्राफ्ट दूसरे बाइक क्राफ्ट को मेडल दे, क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस। GIC मालदेवता NSS, क्या बात है, पुराने दिन याद दिला दे आप लोगों ने। 5072 73 सारे मालदेवता से ही GIC मालदेवता। 5074 टीम ऑफ GIC मालदेवता हो गई है। 5075 आ जाओ, वाह क्या बात है, उधर 5074 क्या नाम है आपका, इधर आ जाओ मेरे पास आ जाओ आप, क्या नाम है आपका, अंश, थोड़ा उधर उधर, क्या नाम है आपका, अंश, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, थर्ड, कहाँ पर, रिवर वैली कॉलेज। आज कितना किलोमीटर भागे आप, एक किलोमीटर, कितना, एक किलोमीटर, एक किलोमीटर, और आपकी उम्र क्या है, एज क्या है आपकी, 10, और आगे रनिंग करना है या आज के बाद बस बंद कर दोगे, बोलो नहीं, नहीं करोगे आज के बाद, तो भैया अगर पेरेंट्स आए हैं तो देख लो आप, इसके बाद देखो अब तो मेडल भी मिलने लग गया, आप करना ठीक है, अगले रेस में मिलेंगे आप और मैं, फिर आप और मैं फोटो भी खींचेंगे, करोगे ना अगली रेस में, करोगे भाई, एक बार तो मैंने मना लिया, बाकी पेरेंट्स देख लेना, कॉन्ग्रेचुलेशन आराम से। अब इनमें से रनर कौन है, गोदी वाला रनर, ये भी सही है, बोला गोदी वाला रनर, सबसे छोटे रनर, सारी कैटेगरी मिलती, सारी कैटेगरी देखने को मिल गई आज की रेस में। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में यहाँ पर प्रोफेसर
वंदना शर्मा मैम हैं, प्रिंसिपल गवर्नमेंट पीजी कॉलेज मालदेवता। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं चाहूंगा कि आप स्टेज पर आए प्लीज। मैम सबसे पहले तो सारमंग की तरफ से आपका सनलाइन हाइव में बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि मालदेवता आप यहीं से हैं। तो एक तरफ जहां शिक्षा की बात आती है, कॉलेज का एक अलग माहौल होता है, आज कैसा लगा मैम, ये मॉर्निंग कैसी रही? थैंक यू सर। सबसे पहले तो जितने भी प्रतिभागी हैं सबका मैं आभार व्यक्त करती हूँ और सबको बधाई देती हूँ जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। कुछ हमारे कॉलेज के भी छात्र हैं और ये जो आपके मोहन जी हैं हमारे कॉलेज में भी परसों आए थे के साथ, सौरभ के साथ, कि हमारे कॉलेज में भी इस तरह की मैराथन होगी, हमारे कॉलेज के बच्चे भी करेंगे। तो देखिए आज का जो युवा है यहाँ पर, तो युवा वर्ग बच्चे और वृद्ध सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। बहुत ही खुशी की बात है कि आज इतने सजग हैं लोग कि हम स्वस्थ रहें। आदमी स्वस्थ है तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ऐसा मेरा मानना है। तो आगे आने वाली जेनरेशन स्वस्थ होगी, इससे अच्छी बड़ी बात क्या है हमारे लिए। तो सभी प्रतिभागियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। एक सरदार जी मेरे को रोज मिलते हैं, तो सौरभ ने मेरे को बताया कि वो 72 इयर्स के हैं, गुरफुल सिंह सर हैं और साई के एक्स कोच हैं। अच्छा सर, तो वो मेरे को रोज मिलते हैं जब मैं कॉलेज आती हूँ। उनसे मेरा परिचय तो नहीं है, लेकिन मैंने आज उनको फिर दौड़ते हुए यहाँ पर देखा, तो मैंने सौरभ से पूछा ये कौन है। एक साइकिलिंग भी करते हैं सरदार जी, रोज आते समय तो वो ऐसे आते हैं लेकिन जाते समय पैडल मारते हैं, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वो DPS के आगे से आते हैं, कहीं से पूरा नीचे तक आते हैं मालदेवता तक। तो अगर सभी एज ग्रुप में ये अवेयरनेस है कि हम दौड़ेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे और सारे काम छोड़कर वो सुबह प्रकृति के संरक्षण में अब तक कुछ समय देते हैं, कुछ पल देते हैं लॉन्ग लाइफ के लिए, इससे अच्छी बड़ी बात हमारे लिए और कुछ नहीं है। यहाँ आकर मैंने भी बहुत कुछ सीखा, समय मेरे पास भी कम रहता है लेकिन थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करती हूँ। आज आकर ऐसा लगा कि नहीं ठंड चली गई, बिल्कुल ठंड है ही नहीं। और मुझे लगता है मैम अगली बार आपको दौड़ते हुए भी देखने वाले हैं। आपको मैं बता दूं, ग्रेजुएट तक तो मैंने भी पार्टिसिपेट किया है कॉलेज में। उसके बाद जब मेरा जॉब लगा कोटद्वार PG कॉलेज में, तो मैंने भी पार्टिसिपेट किया और शर्मा सर ने भी पार्टिसिपेट किया। वहाँ के प्रिंसिपल ने कहा वाह भी वाह, एक फर्स्ट आया एक थर्ड आया, लेकिन मैंने उनसे कहा पार्टिसिपेट करना ही एक बहुत बड़ी बात है। तो जितने भी छोटे बड़े, और ये गोद में एक बहुत छोटा सा बच्चा है मेरे बराबर में ही बैठे थे, मोहन जी की मिसेस, उनकी बिटिया, तो पार्टिसिपेट करना बहुत बड़ी बात है। उनकी मदर उनको लेके जा रही थी और कुछ समय के लिए मोहन जी भी उसको आगे तक ले गए, ये खड़े हैं हमारे मोहन जी। तो एक उत्साह वर्धन करना बच्चों में, न्यू जनरेशन में, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ प्लेयर्स भी आज दौड़े जिनको अभी मेडल मिला है, तो बहुत इससे बड़ी हर्ष का विषय हमारे लिए कुछ नहीं। और जितने भी स्पॉन्सर्ड हैं सभी लोगों को बधाई देती हूँ, बहुत अच्छे काम के लिए आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, सभी का धन्यवाद। और बच्चे खूब आगे स्वस्थ रहें, वृद्ध भी स्वस्थ रहें, युवा भी स्वस्थ रहें, सभी को सभी बधाई के पात्र हैं। क्या बात है मैम, थैंक यू। गुरफुल सर जिनकी आपने बात की, वो अभी अभी मुंबई से फुल मैराथन यानी कि 42.195 किलोमीटर वो करके आए मैम, और वो बिल्कुल अभी वो है नहीं यहाँ पर क्योंकि उनको बहुत जरूरी काम था कुछ, इसलिए वो चले गए। अब तो मैम आपसे मुलाकात होती रहेगी और आपका उत्साह देख के मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम एक इवेंट वहाँ भी करने वाले हैं। बिल्कुल, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। संदीप कुमार शर्मा सर को, जो कि एक्स डायरेक्टर हैं हायर एजुकेशन उत्तराखंड शासन में एक्स डायरेक्टर हायर एजुकेशन के, सर स्वागत है आपका सारमंग परिवार की तरफ से, मैं आपका स्वागत करता हूं यहां पर। सर मैं सुबह से ही देख रहा था, जब मैं यहां से गया जैसे रेस शुरू हुई, मुझे लगा कि आप कार रोक के कहीं मतलब ऐसे ही वो कर रहे होंगे, लेकिन बाद में जब यहां पर देखा और सभी का उत्साह वर्धन कर रहे थे, तो इतनी एनर्जी कहां से लेकर आते हैं सर आप? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो आज आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर बुलाया। और मैं ये कहूँ कि आज के इस
प्रोग्राम के अंदर शामिल होकर मुझे बहुत ही अधिक खुशी हुई, और विशेष रूप से जो बच्चों का, बड़ों का और जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनके अंदर इतना उत्साह रेसिंग के प्रति देखकर मुझे खुद अपना यूथ याद आ गया। उस समय मेरे अंदर भी थोड़ा सा जोश हुआ करता था, आप लोगों से तो शायद बहुत कम, लेकिन इसी तरीके से मैंने ये देखा कि यहाँ पर आसपास का जो ग्रामीण परिवेश है इतना अच्छा है कि स्वास्थ्य के लिए वो बहुत ही ज्यादा है, स्वास्थ्य वर्धक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक चीज और जो मैंने यहाँ पर नोट की कि हमारे यूथ को, हमारे समाज के जो विभिन्न वर्गों से आए हुए लोग हैं उनको यहाँ पर इस तरीके से एकजुट कर कर लाना और उनके अंदर एक नोबल कॉज के लिए इस प्रकार के प्रोग्राम आयोजित करना, इसके लिए निश्चित रूप से आज के जितने भी ये ऑर्गेनाइजर्स हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो जितने भी हमारे स्पॉन्सरर्स हैं वो बधाई के पात्र हैं। हम लोग इधर उधर के लिए अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सही जगह पर अगर आपके द्वारा एक नोबल कॉज के लिए वो पैसा खर्च होता है तो निश्चित रूप से दान पुण्य हम लोग जो करते हैं उससे ज्यादा ही बेहतर मैं समझता हूँ कॉज के लिए किया गया जो है इन्वेस्टमेंट है। एक्चुअली ये एक इन्वेस्टमेंट मैं इसलिए इसको मानता हूँ क्योंकि मैं खुद कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूँ अपने कॉलेज के ड्यूरेशन में, तो ये एक इन्वेस्टमेंट है। वास्तव में आप अपने जो जनरेशन्स हैं उनमें एक ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि वो भविष्य के अंदर जाकर एक स्वस्थ समाज को जन्म देते हैं, एक स्वस्थ सोच को जन्म देते हैं। और इसके अतिरिक्त मैंने देखा है वो लोग जो स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं सामान्यतः वो उच्च पदों तक पहुंचते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं है, और मैं ज्यादा नहीं बोलकर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं विशेष रूप से जो हमारे फिनिशर्स हैं चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के क्यों ना हो, वो हम लोगों के लिए मैंने भी आज डिसाइड किया है कि फ्यूचर में अगर कोई इस प्रकार के आप लोग करते ही रहे हैं और फ्यूचर में अगर आप करेंगे इस तरीके का प्रोग्राम तो शायद मैं भी एक पार्टिसिपेंट के रूप में आपको नजर आऊंगा। शायद नहीं सर, बिल्कुल नजर आने वाले हैं आप दोनों मुझे। धन्यवाद धन्यवाद। और मैं विशेष रूप से आप सभी का आभारी हूँ एक बार फिर कि आप लोगों ने हम लोगों को यहाँ पर इनवाइट किया है, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, फिनिशर्स हैं और जो अभी अपकमिंग हमारे जो मेडल विनर्स हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और पुनः आप सभी को बधाई देता हूँ जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इस तरीके के इवेंट हमारे देश के अंदर, हमारे प्रांत के अंदर आप लोग जैसे करते भी आ रहे हैं, भविष्य में इसको वो और इम्पीटस देंगे जिससे कि हम एक स्वस्थ समाज को, स्वस्थ कम्युनिटी को जन्म दे सके। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू। इसका अनाउंसमेंट होता है कि गरम गरम हलवा आ गया है, तो आप चाहें तो हलवा खा सकते हैं, लेकिन मेरे सामने जो फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर भाई लोग हैं ये कभी भी मैंने नहीं देखा इनको खाते हुए। अगर आप चले गए तो हमें कौन कैद करेगा। सो थैंक यू। चलिए अब बढ़ते हैं, फीस भी तो कहीं ना कहीं जानी है, यानी कि उनके घरों में कई लोगों ने दराज बढ़ा लिए होंगे अपने, तो चलिए उसी दराज की तरफ चलते हैं, वो सफर तय करने के लिए देखते हैं आज कौन कौन यहाँ पर हैं। एज कैटेगरी 60-69 फीमेल, विजय नेगी, आइए मैम, क्या बात है। और जब सब हम बता रहे थे एनवायरमेंट की बात कर रही है तो एक बात मैं भी बता दूं आपको, 2015 में मेरी मुलाकात हुई आशीष गर्ग सर से जो कि देहरादून में इको ग्रुप है उसके फाउंडर मेंबर हैं, और तब से मैंने आज तक प्लास्टिक बाहर नहीं फेंका है। आपको बताऊंगा मैं करता क्या हूं उसका, आपने यहां पर देखा होगा एक बना हुआ इको ब्रिक्स है, तो तब से अब हमारे घर में आदत सी हो गई है कि प्लास्टिक्स बाहर नहीं जाते। बहुत बहुत बधाई मैम आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एज कैटेगरी 50-59 फीमेल, थर्ड पर्सन गोज टू बिब नंबर 5021, श्रद्धा शर्मा, शारदा शर्मा 5021, आइए मैम।
बहुत बहुत बधाइयां मैम आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। सेकंड पर्सन गोज टू बिब नंबर 5044 चंद्रकांता। चंद्रकांता मैम आइए, आप आइए। हंसते मुस्कुराते पूजा पाठ करते करते ट्रॉफी भी ले चले आप, बहुत बहुत बधाइयां मैम आपको। एंड नाउ ऑन टॉप 5040 कांति रावत, आइए मैम फर्स्ट पोजिशन। सारमंग के और उसके बाद इंडिया को रिप्रेजेंट करना, देश के लिए खेलना, क्या बात है मैम। और हमारे लिए आप खेल रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम, शुक्रिया आपका कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारे लिए खेल रहे हैं आप। नाउ मूविंग ऑन टू मेल कैटेगरी, थर्ड पोजिशन गोज टू बिब नंबर 5022 अनिल कुमार शर्मा। 5022 मतलब सर आप लोग घर में डिसाइड करके आते हैं क्या कि आज तो दो ट्रॉफी लेकर ही आनी है? सर है घर में जगह वगैरह है या बनाएंगे अब? क्या बात है सर, आइए सर। थर्ड पर्सन अनिल कुमार शर्मा, बहुत बहुत बधाई सर आपको। अनिल मोहन सर राम सर एलीट रनर और आजकल थोड़ा सा रिहैब में चल रहे हैं, यानी कि इंजरी के बाद में आपका इंतजार है सर दोबारा से सड़कों पे। और सेकंड पोजीशन इन 50-59 मेल कैटेगरी दिनेश अग्रवाल आइए सर। बहुत बहुत बधाई हो आपको दिनेश अग्रवाल सर, कांग्रेचुलेशंस। एंड नाउ मेल कैटेगरी गोज टू बिब नंबर 5065 शशि दिवाकर। क्या बात है सर, ये भी इलीट एथलीट हैं, ये चलते नहीं है सर, ये दौड़ते रहते हैं, इनको बुला लीजिए ये दौड़ते हुए पहुंच जाएंगे। और उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करते हैं, मास्टर एथलीट हैं सर, बहुत बहुत बधाई आपको। और बड़े ही सौम्य इसी तरह से रहते हैं हमेशा। Now 42-49 फीमेल योगिता अग्रवाल आइए मैम। फर्स्ट बहुत बहुत बधाई हो मैम आपको। 42-40 अच्छे साइकिलिस्ट हैं सर, और स्ट्रीट डॉग्स को खासकर लॉकडाउन के 2-3 साल तक पूरा लगातार चला सर का, और अभी भी चल रहा है तो सब पहचानते हैं सर को, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। सेकंड पोजीशन गोज टू बिब नंबर 5030 डॉक्टर डीएस रावत। डॉक्टर डीएस रावत आइए सर, क्या बात है सर, बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। नजदीक आ जाइए मैम, नजदीक आ जाइए, तब तक मैं रोक के रखूंगा, चिंता मत कीजिए, आप जाने नहीं देंगे यहां से। बहुत बहुत बधाई सर आपको। नाउ बिब नंबर 5051 फर्स्ट पोजिशन गोज टू 5051 अनिरुद्ध ममगाय आइए सर। 42-49 इस ग्रुप में
कांग्रेचुलेशंस। नाउ 32-39 फीमेल सेकंड पोजीशन गोज टू बिग नंबर 5028 सुषमा रावत। अच्छा तभी अभी तक घर नहीं गए आप, आइए आइए सुषमा रावत सेकंड पोजीशन बिग नंबर 5028। कांग्रेचुलेशन सुषमा, आपको बहुत बहुत बधाई। नाउ फर्स्ट पोजीशन गोज टू बिब नंबर 5066 तजिंदर कौर विकास नगर। अब हुआ अल्लाह, अब लगा कि विकास नगर है तजिंदर। अच्छा मैम आप तभी शांत थे पहले, आपको पता था अल्लाह तो बाद में होना ही है। आइए मैम तजिंदर कौर विकास नगर एथलेटिक क्लब, और ये विकास नगर से आते हैं सर रोज सुबह, जब 6 बजे भी रन होती है तो मैम वहीं से आते हैं। और प्रभजोत सर फाउंडर हैं इसके, प्रभजोत सिंह, और वो पूरी गाड़ी भर के लेके आते हैं। बहुत बहुत बधाई मैम आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन। मानसू प्लीज कम, पुरानी दोस्ती है क्या? आइए, दोस्ती के बीच में हम नहीं आते। Congratulations. Now the second position goes to bib number 5054 Hardeep Singh. Hardeep Singh, क्या बात है, आइए आइए Hardeep sir. 5054 Hardeep Singh. Second position in 32-39 male group. कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, बधाइया। एंड नाउ द फर्स्ट पोजीशन गोज टू बिग नंबर 5005 प्रदीप कुमार। आ जाओ आरजे साहब, ये आरजे भी हैं और साथ में बहुत पुराने रनर, और नाइट ड्यूटी भी होती है तब भी पहुंच जाते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन प्रदीप आपको। श्रद्धा यादव सेकंड पोजीशन 5018 कांग्रेचुलेशन श्रद्धा। सबसे पहले आई थी आरजू यहाँ पर, और दोनों लोग देख रहा था मैं, सबसे पहले आके यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। इंतजार का फल ट्रॉफी होती है, लोग तो ऐसे कहते हैं कि मीठा होता है। आते रहे 20-29 मेल कैटेगरी। थर्ड पोजीशन गोज टू बिब नंबर 5068 अजय। 5068 अच्छा विकास नगर, कोई अगर मगर नहीं विकास नगर। हाँ क्यों प्रभजोत सर, and second person goes to bib number 5037 Vineet Kumar. Vineet Kumar फाइव जीरो थ्री सेवन तो आ जाओ शर्मा क्यों रहे हो आप। सेकेंड पोजिशन विनीत कुमार 5037 और सतपाल मेरे ख्याल से आप अपने काम में से समय निकाल के प्रैक्टिस करते हैं जितना समय मिलता है इनको, ये सर काम करते हैं और उसके बाद डेली मतलब जितना भी इन्हें समय मिलता है मेहनत करते रहते हैं। सतपाल आप यूं ही मेहनत करते रहो और यूं ही ट्रॉफी जीतते रहो आने वाले समय में भी। मैं बोल रहा था कि इनसे जुड़ी हुई कहानियां, कल जब बिप कलेक्शन हो रहा था सर, इनके पेरेंट्स साथ में आए थे, फादर साथ में आए थे, और वो कह रहे थे, हमने कहा ये तो दूसरी एज कैटेगरी है, बोला नहीं मैं इससे थोड़ा सा एज बढ़ा के रजिस्ट्रेशन करा रखा है ताकि मैं देखना चाहता हूँ कैसे दौड़ती है। सर ऐसा दौड़ती है, कह डाएंगे आप बिल्कुल। हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन, सब एज कम करने की बात करते हैं, इनके फादर आके बोलते हैं कल, वो सामने बैठे हुए मैम,
बोल रहे कि हमने एज बढ़ा के डाला हुआ है ताकि ये देखते हैं कि कैसा दौड़ती है। बिल्कुल हिमाचल से आते हैं, पूरी फैमिली साथ में बैठी हुई है, बहुत सारे रन में आते हैं। सो 15 to 19 मेल, थर्ड पर्सन गोज टू बिग नंबर 5026 दुष्यंत कुमार। इस ग्रुप ने सारा अपना जो जोश था वो ऐसे ऊपर को दिखाते हुए खत्म कर दिया लग रहा है मुझे। आपके बगल से उठ के आ रहा है, जोश देखने को नहीं मिल रहा है यार। हाँ ताली बजाओ, अब लगा ना। सेकंड पर्सन गोज टू बिग नंबर 5070। सिर्फ बिग नंबर है यहां पर। अच्छा युवराज From team of bike craft. अच्छा ये आपके ही महाविद्यालय से, क्या बात है मैम, इससे बड़ा पल और क्या होगा। और मैम के ही महाविद्यालय से, यानी कि जो कॉलेज है वहीं से है, डिग्री कॉलेज से, और इससे बड़ा पल और क्या होगा। कांग्रेचुलेशंस युवराज। Now, first person goes to bib number 5013, Saurabh Sharma. आराम से। ये सर विजुअल इम्पेयर्ड है और पैरा एथलीट है, अभी नेशनल खेल के आया है और हिमाचल से है ये। नाउ एज कैटेगरी 5 to 8 इयर्स, 5 से 8 साल के बीच, और बिब नंबर 5048 फर्स्ट पोजिशन, फर्स्ट 5048 अमायरा सिंह। आ जाओ अमायरा, आ जाओ, दौड़ के आओ और लेके फिर जाओ। ये बहुत घर भर रही है सर, दूसरा बना लिया आपने, क्या बात है सर। अमायरा सिंह एंड नाउ मेल 5 to 8 इयर्स, फर्स्ट बिब नंबर 50, सारे हिमाचल ले जाएंगे मतलब, 5011 संस्कार पटियाल। ये अपने आप दौड़ के आए होते हैं। ओहो क्या बात है, नाम भी संस्कार और उसी संस्कार के साथ, और ट्रॉफी भी ले गए आप संस्कार। अनिल मोहन सर, आप यही दौड़ते रहो और खूब बड़े हो जाओ ताकि दूसरी एज कैटेगरी में दौड़ो फिर। सारमंग एडवेंचर टूर्स, और आप साइकिलिंग रनिंग ट्रैकिंग बहुत कुछ सब एक साथ, और मैं चाहूंगा कि आप और अनिल मोहन सर, सर एक स्मृति चिन्ह हमारी तरफ से आप दोनों के लिए, ताकि ये यादें यूं ही कैद हो जाएं और उसके बाद जब भी आप देखें तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो याद रहे आपको कि सनलाइन हाइव में कुछ हुआ था। कांग्रेचुलेशंस मानसी, यूं ही दौड़ते रहो और खूब जीतते रहो। अच्छा जाने से पहले अब आप बोलोगे कि ये जो आपकी फोटोग्राफ्स हैं और जो आपके वीडियोस हैं वो सनलाइन वाले, याद रख लेना सनलाइन वाले यूट्यूब में आपको मिल जाएंगे आपकी वीडियोस, है ना, वहां से आप मिल लेना और इनसे कार्ड वार्ड लेके जाना जाते वक्त जो लोग भी हैं, क्योंकि बाद में आपसे ये भी पूछ सकते हैं। हाँ जी भाई, तो इसलिए आज ही ले लेना जो जो लेना है। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, और थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, ऑल द रनर्स, ऑल द स्पॉन्सर्स, और मेरी आवाज आप तक पहुंचाने के लिए गौरव भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। थैंक यू सनलाइन हाइव।
Let's go.